था वो रहे थे कि संस्कृत और गणित में फेल हो, और बोल रहे थे कि 5,000 दो तो पास कर दूंगा। हमने बोला कि मेरे पापा के मोबाइल में आया, तो पापा बोले हाँ पूछ के बता रहा हूँ। फिर रायपुर से शिक्षा मंडल बोल रहे थे कि ओ आप दो विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए। कितना पैसा मांग रहे थे? 5,000 मांग रहे थे। फिर हम लोग बोले कि 3,000 देंगे, बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग। मम्मी पापा से पूछे तो बोले कि नहीं सकेंगे देने के लिए। परीक्षा के विषय में पास नहीं हुए हैं, इसी के विषय में वो कह रहा था कि पास नहीं हुए हैं तो पास करवाना है कि नहीं, ऐसे करके कह रहा था। तो मैं बोला कि पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए फेल हो गई है तो पैसा लगेगा, ऐसा कहा। तो मैं कहें ठीक है, अभी पास करवाना है, अब सब पास हो रहे हैं, अगर वो नहीं होगी तो तकलीफ़ हो जाएगी, इसे सोच के हम ठीक है मैं बोला। और कितना लगेगा कहा, तो 3,000 वो कहा। तो मैं कहा कि 3,000 तो नहीं दे पाएंगे, 2,000 देंगे तो ठीक है बोला। मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर से मतलब पैसा भिजवा देना, ऐसा बोला। अब फिर मैं उसको पूछा कि कितना कितना नंबर है दो विषय में, तो बताया कि गणित में 26 नंबर है और इंग्लिश में 28 नंबर, इतना बोला। और फिर मैं वो कहा कि अभी तो मैं घर में नहीं हूँ, आके करवा रहा हूँ, ऐसा तो ठीक है शाम के 6 बजे करवाना, ऐसे बोला वो। सरगुजा ज़िला के मैनपाट ब्लॉक से एक शिकायत आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, उनको अननोन नंबर से कॉल आया है जिसमें कि उनके द्वारा पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस तरह के मामलों में कहीं पर भी कोई पैसे का लेन देन ना करें, और ये पूरी तरीके से साइबर फ्रॉड रहता है। करते हैं कि अननोन कॉल से बचें, किसी भी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन किसी भी अनजान व्यक्ति को ना करें। UPI के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को UPI के माध्यम से पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। जो ठग रहते हैं वो बहुत ही सातिर रहते हैं और अपने नए नए प्रलोभन देने के माध्यम से वो ठगी करने का शिकार करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।